100% टॉर्क अपने ट्रक यूज कर सकते। पहले मैंने लिया था ना, दो गाड़ी लिया था। कौन सा गाड़ी लिया था आपने? नेशनल टोल पे वैसे बनाए तो थे, लेकिन इन ट्रक में जैसे अलग सैलरी होता है क्या दूसरे ट्रक से? हाँ। थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है इसका, एकदम हाई लेवल है। हाँ जी, कंपनी बेस्ट लगती है और ट्रस्टेबल लगती है, ट्रस्ट करते हैं। नैया लुट जाएगी आपकी, परेशान हो जाएंगे आप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। अच्छा हुआ 100 के भी हो गए, स्पेशल वीडियो भी आप लोगों के लिए मिल गया। अपने सामने है आयशर का 8035XM। पीछे से अपन शुरू कर रहे हैं इसको बनाना, डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। ये माइनिंग पे ज़्यादा चलता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, क्योंकि रेत वेत पे तो चलने वाला सिस्टम है नहीं, सिंगल ऑनर इसको चलाते नहीं है ज़्यादातर। जब आप सर्च भी करेंगे तो ये माइनिंग ट्रक्स होते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये जो है ना, एक तो बॉक्स बॉडी में आता है और एक रॉक बॉडी में आता है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 टायर ये ट्रक होता है। आपको इसके बारे में एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे पीछे ना इसमें डिफरेंशियल लॉक लगा रहता है, स्टेज 2 डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल लॉक क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। मैं हमेशा आपको ट्रक में बताता हूँ ना, टॉर्क कितना ज़्यादा होता है, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क मतलब ट्रक के खींचने की क्षमता, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा ट्रक खींच सकता है। तो ये डिफरेंशियल लॉक का बटन भी होता है। डिफरेंशियल लॉक से ये होता है कि 100% टॉर्क अपने ट्रक यूज़ कर सकता है। वो एक्सल में लगा रहता है, ऐसे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो ये रियर एक्सल की बात कर रहा हूँ। और पीछे की तरफ बोगी सस्पेंशन यहाँ पे मिलते हैं। बोगी सस्पेंशन इसलिए बोलते हैं, बोगी ट्रेन की बोगी, उस टाइप के सस्पेंशन होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आगे के सस्पेंशन पैराबोलिक लीफ सस्पेंशन है, उसमें इसमें भी आगे के एक्सल में एक स्टेबलाइजर बार लगा होता है। जैसे आपको अगर दिख रही होगी, एक रॉड दिख रही होगी, मैं ज़्यादा झुक नहीं पा रहा हूँ, एक रॉड अगर आपको दिख रही होगी एक्सल के पास बड़ी सारी, तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजर बार। उससे क्या होता है बताऊँ, जब ट्रक चलता है ना, सीधी सिंपल शुद्ध देसी लैंग्वेज में बताऊँ तो झोल कम मारता है, उसकी वजह से, स्टेबलाइजर बार की वजह से झोल जो है कि ट्रक कम मारता है। इसमें मिलता है 315 लीटर का डीजल टैंक और 50 से 60 लीटर का एडब्लू टैंक मिल जाता है। ये एग्जॉस्ट मिल जाता है बहुत ही ज़बरदस्त, उस तरफ से भी बताऊँगा मैं आपको। ये देखिए एग्जॉस्ट, एक बार प्रोफाइल दिखाते हुए चलूँ, ये इसका इंजन एरिया है। इंजन की अगर अपन बात करें तो इसमें वॉल्वो और आयशर का मिक्स जो कोलैबोरेशन हुआ है, तो वो वाला इंजन आपको मिलता है। इंजन मिलता है 7.7 लीटर का, 7698 सीसी का इंजन मिलता है। 350 एचपी इसमें आती है और 1350 एनएम का टॉर्क आता है। 6 सिलेंडर इंजन होता है। ये देखिए, ये है इसके 2 प्रेशर टैंक, 1 प्रेशर टैंक वहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ तक कि इसमें टायर भी आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन टायर बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन टायर ही आपको मिल जाते हैं। ये प्रेशर टैंक, यहाँ बैटरी उसका कट ऑफ दे रखा है। सस्पेंडेड कैबिन होता है, शॉक अब्जॉर्बर इसमें लगे होते हैं। ये हाईवा वाला सिस्टम, इसका पूरा हाइड्रोलिक वाला सिस्टम। प्रोफाइल इसकी बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी कंजेस्टेड एरिया में खड़ा हुआ है। एक्सएम यहाँ लिखा हुआ ही मिलता है, ऐसा लगता है जैसे मॉडिफाई करके अलग से लिखा है। अब देखिए इसकी फ्रंट प्रोफाइल, बड़ा सारा आयशर लिखा हुआ दिखेगा, प्रो 8035XM। इसमें बहुत से फीचर्स आ जाते हैं, एसी वाला ट्रक होता है। अंदर जाके मैं आपको और चीज़ों के बारे में बताऊंगा, पहले यहाँ से प्रोफाइल दिखा दूँ मैं आपको। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त फूंखार टाइप की प्रोफाइल होती है इसकी। अब वॉल्वो के साथ टाइप है तो आप समझ ही सकते हो। हेडलाइट वगैरह देखोगे तो नॉर्मल आती है, हेलोजन हेडलैम्प, ऊपर की तरफ इंडिकेटर मिल जाते हैं, रेडिएटर वगैरह इसका दिख रहा है, यूपी नंबर पर है, कॉल माइनिंग के लिए कहीं जा रहा है। विजिबिलिटी बहुत प्यारी होती है, मॉडिफिकेशन ज़्यादा कराने की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे तो देखेंगे तो आप टाटा सिग्ना के साइड में ये खड़ा हुआ है, लेकिन प्रोफाइल कुछ भी कहो उससे ज़्यादा दमदार है, क्योंकि ये हाई लेवल का थोड़ा सा ट्रक आ जाता है उससे अगर कंपेयर करें। फ्रंट में अगर और चीज़ों की बात करें तो आपने देखा होगा जो ट्रक आते हैं जब मॉडिफाई कराते हैं तो उनमें प्लेटफॉर्म जैसा हल्का सा चढ़ने के लिए लगा दिया जाता है, इसमें नहीं है। लेकिन ग्रैब करने के लिए हैंडल दे रखे, मतलब कोई स्टूल रख के ही आपको यहाँ पे ग्रैब करके ग्लास वगैरह साफ करना पड़ेगा। 2 वाइपर नॉर्मली मिलते हैं, जैसे 2 देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 वाइपर आपको मिल जाते हैं। बाकी ये ब्लाइंड स्पॉट वाला मिरर मिल जाता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये होता है ऑटोमेटिक ग्रीसिंग के लिए, मतलब इसमें पूरी जो गाड़ी की ऑटोमेटिक ग्रीसिंग हो जाती है। 1000 घंटे 2000 घंटे इस पर इसको फुल कराना पड़ता है। ये इसका प्रेशर बताता है यहाँ पे, एक पाइप लगाते हैं यहाँ पे, लगाते हैं पाइप। हाँ। तो यहाँ से इसमें पूरा फिल हो जाता होगा ग्रीस, बाहर से जब भी खत्म होता होगा। अब यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की चीजें देख लेते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे भी लगा हुआ आता है, ओपनिंग इस टाइप की ओपनिंग आती है इसकी। गेट बहुत पुराना हो चुका है, नॉर्मल सी चीजें मिलती है गेट पे, ज्यादा कुछ खास है नहीं। प्रेशर सीट आपको इसमें मिल जाती है, ये हाइड्रोलिक के लिए होगा पीछे का, पीछे का हाइड्रोलिक उठता हुआ, यहाँ से इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। और ये इसके ABC पैडल्स हैं, यहाँ पे पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक असिस्ट पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइट है। सतीश भाई हमारे साथ है, सतीश भाई आपका वो संतोष संतोष भाई संतोष, और हमारे भाई आकाश
आकाश भाई आप लोग इसको छोड़ने जा रहे हैं। हजूर भाई मैं यहाँ अगर आपकी परमिशन हो तो बैठ सकता हूँ, मतलब कोई इशू तो नहीं। इस टाइप का इसमें स्टीयरिंग मिलता है नॉर्मल आयशर वाला ही, डैशबोर्ड ऐसा होता है। एसी आता ना इसमें सतीश भाई? एसी कंपलसरी है, एसी आता, लेकिन रिवर्स कैमरा नहीं है। बता दूं मतलब 77 लाख से लेके 86 लाख तक का ये ट्रक का प्राइस होता है, लेकिन उसके बाद भी इसमें रिवर्स कैमरा नहीं है, एसी तो आता है। ये स्लॉट खाली ही आते हैं इसके? अच्छा ये कंपनी से ही दे रखा होगा। ये देखिए डिफरेंशियल लॉक का जो बटन मैं आपको बता रहा था वो ये होता है, ये उसका जो अपना डेप लिक्विड ऐड होता है उसके लिए रखा होता है। एड ब्लू? और ये वाला? ये पीटीओ होता है जो डंपिंग ऊपर हो जाता है। अच्छा ये ऊपर उठाने का। अच्छा और ये वाला? ये वाला एग्जॉस्ट है ना। अच्छा इंजन कंट्रोलर है यहाँ पे, बाकी एसी के कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं, स्विच विच बढ़िया मिल जाते हैं, इस टाइप की हम आइडिया आती है। ये बटन क्या दे रखा है? एयर और डिस्क ऑन चेंज एयर पे और अपना सादा होने का। अच्छा दोनों अलग अलग, मतलब एयर प्रेशर हॉर्न के लिए ये है, यहाँ से हेडलाइट लेवल कर सकते हैं। ये बटन अलग से लगाया हुआ है आपने? ये किस चीज का है? एक्स्ट्रा लाइट के लिए। अच्छा एक्स्ट्रा लाइट के लिए। ज्यादातर ये ट्रक माइनिंग में ही यूज होते हैं। ये इसका हैंड ब्रेक होगा, टोटल रिवर्स मिला के इसमें 9 गियर आ जाते हैं, नहीं रिवर्स हटा के 9 गियर आते हैं, 10 आते 9 स्पीड। ये सी क्या है इसमें? लो गेयर का यूज ज्यादातर कब होता है सतीश भाई? ये एकदम हाईएस्ट चढ़ाई पे। हाईएस्ट चढ़ाई पे आप आपने जैसे बताया फर्स्ट टाइम इस ट्रक को अभी चलाया है, लेकिन ये गाड़ी पहले टाइम लेके जा रहे हैं। अच्छा पहले टाइम, पहले भी चलाया आपने? तो जो नॉर्मल गाड़ी आती है टाटा लीलैंड की और भारत बेंज की नॉर्मल गाड़ी आती है उनसे थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है इसका। एकदम हाई लेवल है, हाँ एकदम हाई, चलने में मतलब मजेदार है एकदम। तो कंपनी इसका 2.5 से 3.5 तक का माइलेज बोलती है, कंपनी के हिसाब से एवरेज निकल जाता है गाड़ी। निकल जाता है? निकल जाता है भाई, बता रहे 1.5 नहीं नहीं अपना गाड़ी कहाँ चल रहा है उस पर डिपेंड है ना। प्लेन रोड पे चलेगा तो एवरेज मिल जाएगा, लेकिन हाई स्पीड चढ़ाई पे चलेगा तो हाँ, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लोड, मतलब 80-80, 90-90 टन लोड लेके जाता है। माइनिंग में ही सिर्फ चलते हैं, और चलाने में भी एक अलग ही मजा आता होगा इस ट्रक को। कार के जैसे चलता है, कार के जैसा फील होता है, इंजन बड़ा पावरफुल होगा इसका, एकदम पावरफुल है। तो आप लोग शुरू से माइनिंग का ही काम कर रहे हैं? नहीं नहीं वैसे माइनिंग में अभी छोड़ने जा रहे हैं इसको, हमारा तो ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब आप ट्रकिंग लाइन में कब से हैं आप लोग? मेरे को हो गया अभी 25 साल। 25 साल से, और आप तो नए लग रहे हैं दोनों। आपको कितना टाइम हुआ है? मुझे हो गया 5 साल। आपको? 5 साल। तो अभी आप लोग इसी वर्क में आए कि दूसरा ट्रक भी चलाया आप लोगों ने? दूसरा भी चलाया। आपको 25 साल हो गए, 25 साल में भी आप ट्रक ही चला रहे हैं अभी भी सतीश भाई? तो क्या नहीं, पहले मैंने लिया था ना 2 गाड़ी लिया। कौन सा गाड़ी लिया था आपने? 16-13 लिया था। 16-13 वो जो एस मॉडल पुराने आते थे, एलपीटी में जो आते। 2 गाड़ी था आपके पास, कौन से ईयर में लिया था आपने? मैंने समझो 2012-13 के करीब लिया। कितना टाइम चलाया 12-13 के बाद आपने? 2 साल चलाया मैंने बस। तो सेकंड लिया था आपने? सेकंड लिया था। तो किस्त भी पूरा करे बिना बेच दिया आपने? हाँ। क्या रीजन रहा बेचने का? थोड़ा घर को दिक्कत आ गई थी, पिताजी गुजर गए। अच्छा। मैं अकेला हूँ घर पे तो छोड़ना पड़ा। तो ऐसा कोई नुकसान हो रहा था क्या आपको उसमें? नुकसान क्या है फिर, घर घर पे कौन देखेगा? अच्छा घर पे कोई नहीं है ना। अच्छा इस वजह से आपने छोड़ा है? छोड़ा। मतलब ऐसा कोई नुकसान नहीं था उसमें? नुकसान नहीं, क्योंकि ऑनर बनना एक अलग बात हो जाती है। बहुत जल्दी बन गए थे, बहुत जल्दी स्टार्ट में। तो ऑनर बन के मतलब क्या लगा, मतलब कमाई है इस फील्ड में? कमाई है, चलाएंगे तो है ना। ये माइनिंग के जो ट्रक चलती है तो बड़े बड़े लोग ही चलाते हैं, कंपनी वाला लिमिटेड कंपनी वाला। मतलब एक दो ट्रक का तो कोई रोल रहता नहीं होगा, 100-150 उनके खुद के रहते हैं, तो भाड़े वाले का भी कोई उसमें रोल रहता नहीं होगा। ले लेते हैं लेकिन ज्यादातर खुद का ही होता है। ज्यादातर खुद के होते। इन ट्रक में जैसे अलग सैलरी होता है क्या दूसरे ट्रक से? हाँ, थोड़ा बढ़ के रहता है। क्या एक मैक्सिमम सैलरी मिल जाती है इस ट्रक में? ये समझो 17-18-20-22-25 तक, 25,000 तक मिल जाता है। 20-25,000 तो ये वाले नॉर्मल ट्रकों में भी मिल जाता है सतीश भाई? नहीं नहीं, वो तो समझो ऊपर का जो मिलेगा खाने पीने का बचा के वो हो जाता है, वैसे रेगुलर 15-12-15 सैलरी उनका महीने का। अच्छा इसको चलाने के लिए मतलब क्या ट्रेनिंग वगैरह लगेगी कि अभी नॉर्मल ट्रक की तरह इंसान? पहले अगर आप गाड़ी चलाते हो हाँ, तो आराम से चलाएंगे इसको, एकदम सॉफ्ट गाड़ी है। जब उधर बैठेंगे ना सीट पे नॉर्मल लगता है। आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के सतीश भाई? ये कोपर गाँव महाराष्ट्र। अच्छा आप भी महाराष्ट्र के और आप भी महाराष्ट्र के हैं? शिर्डी। जैसे आप ट्रक ऑनर बने थे, फिर आप कुछ कंडीशन आ गई तो आपने बेच दिया, तो वापस आपका मन नहीं करा कि मैं वापस से ट्रक लूट रहा हूँ? फिर घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, ये ठीक है ना? तो इसमें भी तो घर छोड़ के बाहर ही तो निकले हैं, वो भी समझो 8 दिन जाएगा, वापिस घर तो जाएंगे ना। अच्छा घर चले जाएंगे। फिर अभी लोकल ही गाड़ी चला रहे ना उधर? लोकल गाड़ी चलाते हैं वहाँ पे? कौन सा गाड़ी? अच्छा ये महाराष्ट्र में भी चलता है लोकल में? ये वहाँ पे आसपास साइट ही होगा वहाँ पे? काम चल रहा है इधर महाराष्ट्र। लॉजिस्टिक ट्रक चलाए होंगे आपने कभी? बीआरएल वगैरह के चलते हैं, डिलीवरी का ट्रक चलता है, उसमें तो और जबरदस्त सैलरी होता है। जैसे मैंने इंटरव्यूज कराया वहाँ पे 50-55 ऐसे, वो तो एवरेज के हिसाब से देते हो गाड़ी चलाने। आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं करा डिलीवरी बीआरएल ट्रक चलाना? वही तो छोड़ना है ना।
कुल मिला के बात ही आ जाती है कि घर छोड़ना पड़ेगा। सतीश भाई ने तो क्या 25 साल दे दिया लाइन को। और एक बार ऐसा भी होता है किसी काम में 25 साल दे दो तो फिर दूसरा काम होता नहीं है और मन भी नहीं लगता है। ट्रकिंग लाइन जो है ना, मैं एक साल से इंटरव्यू कर रहा हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट लाइफ है ये अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए। नॉर्मल कोई भी इंसान जैसे मैं हूँ या कोई भी दुकान वाला है, कोई भी काम करता है, तो वो काम करेगा दिन भर, शाम में घर चला जाएगा, सोना खाना पीना उसका टाइम पे हो जाता है। अब यहाँ पे कहाँ सोना है कहाँ खाना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। गाड़ी पे कोई भी चीज अपना ये फिक्स नहीं है, ना खाना, हाँ, ना रहना, ना सोना, ना नहाना जी, ना घर, कोई भी टोल पे जो फैसिलिटी चाहिए वो भी तो नहीं मिलती। नेशनल टोल पे अगर बाथरूम वगैरह रहेगा वो नेशनल टोल पे वैसे बनाए तो थे, लेकिन वो ऐसे बनाए कि वहाँ जाना भी पसंद नहीं करता इंसान, वो तो जिसको महीने में खराब हो जाता है ना, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हर 50 किलोमीटर पर एक टोल है, वहाँ पे अगर बना दिया जाए तो मतलब थोड़ा इंसान हर उसको पता रहेगा कि यार 50 किलोमीटर पर टोल आएगा तो वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे आउट ऑफ इंडिया जो रहता है कि आपको गाड़ी 8 घंटे चलाना है, सैलरी अच्छा है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, यहाँ तो आप जंगल में कहीं गाड़ी खराब हो गया तो आप नैया लुट जाएगी आपकी, परेशान हो जाएंगे आप। अभी 3 जने, 2 जन को सोने के लिए जगह है, ये तीसरा आदमी इधर ही सो गया ना, 2-3 दिन से इधर ही सो रहा है, तो कैसे सोएगा? तीनों को एक साथ ही सोएंगे ना, समझो रात को 12-1 बजे रुकना है तीनों को साथ में, तो इधर ही एक सोएगा ना, तो एक कैसे सोएगा इधर? हाँ, 3 लोग तो नहीं सो सकते, मतलब ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ, टाटा के, लेकिन जो साइड में ट्रक खड़ा उसमें सो सकते हैं आप 3 लोग? नहीं, जो इसमें तो बेड बना है ना। सतीश भाई, इतने सारे ट्रक्स चलाए होंगे आपने 25 साल, तो कौन सी कंपनी बेस्ट लगती है और ट्रस्टेबल लगती है, ट्रस्ट करते हैं आप उसपे? टाटा बेस्ट लगता है गाड़ी, टाटा बेस्ट लगता है। टाटा के साथ लीलैंड भी तो बहुत पहले से है, लेकिन पहले कैसा है, लीलैंड का जो चलाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। टाटा जो ऐसा सब चलता है रोड पे, सन 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 गियर लगा के, वैसा लेलैंड नहीं चलेगा। अच्छा, वो थोड़ा आराम से चलता है वो। चलिए, थैंक यू सो मच, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, थैंक यू सो मच। अभी बताता हूँ ना मैं आपको, एक बार इसका साउंड और सुन लेते हैं भाई से जाते जाते, फिर थोड़ा चाय पियेंगे साथ में। बहुत हैवी 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 फील हो रहा है, बहुत साउंड देखो आप। मन करते जा रहे। तो गाइस, ये था भाई लोगों के साथ हमारा पूरा वीडियो, होप करता हूँ वीडियो में आपको मजा आया होगा। वैसे तो ये वाले ट्रक्स स्कैनिया के ले लें, चाहे वोल्वो के ले लें या आयशर के, इस टाइप के ट्रक्स देखने को नहीं मिलते हैं नॉर्मली रोड में, क्योंकि खदान वो ज़्यादा चलते हैं। किस्मत अच्छी थी कि ये ट्रक यहाँ पे मिल गए। धीरे धीरे अब 100 के हो गए तो थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, खदान वगैरह पे भी जाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट मैं करता जाऊंगा। तो गाइस, ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करा, बताइए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियो आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।